दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पर इस बार बहुत ही गर्म मिजाज में नजर आ रहा है ऋषि, और ऋषि मलिष्का से साफ साफ बोलता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीका से लक्ष्मी से बात करने की, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के साथ में तू तड़ाक जो करी है मलिष्का ने तो ऋषि इस चीज़ पर बहुत गंदी तरीका से उस पर भड़क रहा है, क्योंकि ऋषि भी जानता है इस चीज़ को कि मलिष्का मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि शादी करना एक मजबूरी है लेकिन दोस्तों शादी की ही नहीं है, क्योंकि ऋषि का डिसीजन कब चेंज हो जाए ये खुद मलिष्का को भी पता है कि ऋषि बिल्कुल अपनी चीज़ पे कंफर्म नहीं रहता है और वो हमेशा अपना कोई ना कोई ओपिनियन चेंज करता रहता है। ये साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक मज़ेदार ट्विस्ट लेकर आ रही है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि बोलता हुआ नजर आने वाला है कि अभी तक जो भी हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अगर लक्ष्मी के साथ में किसी ने भी टॉर्चर करने की कोशिश की तो सोच ना मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ऋषि एक ऐसा इंसान है इस घर के अंदर कि जो लक्ष्मी का सबसे अधिक ख्याल रखता है, क्योंकि ऋषि को पता है कि अगर ऋषि ने ही ना कर दी तो फिर लक्ष्मी को इस घर में कोई नहीं रख सकता। इसलिए ऋषि के साथ साथ में आयुष ऋषि के फादर एंड ऋषि की ग्रैंड मदर पूरी तरीका से लक्ष्मी का सपोर्ट कर रही हैं। वही बात की जाए तो अब बलविंदर करेगा एक नई एंट्री, लेकिन बलविंदर आने के बाद में उसकी कितनी कुटाई होगी, क्योंकि ऋषि भरा पड़ा है। उसने पहले ही बोल दिया था कि बलविंदर मुझे जहाँ चमका उसकी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा मैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी में आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि लक्ष्मी बोलती हुई नजर आने वाली है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा इस बलविंदर जैसे गुंडे आदमी का, क्योंकि दोस्तों बलविंदर वाकई में क्राइम की दुनिया का बादशाह है और वो पूरी तरीका से कुछ भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नाम है रोहित नागर, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट कीजिए।